सपना, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि अभय देओल के साथ काम करने का मौका मिला। कैसा रहा एक्सपीरियंस पूरा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मस्त रहा, नाइस। मतलब नया सीखने को मिला, नया देखने को मिला, नया तरीके से काम करने को मिला, तो वेल एंड गुड। अच्छा, इतनी बड़ी फिल्म मिलती है तो जिम्मेदारी भी आपको लगता है कि जिस तरह से आपका अप्रिसिएशन हुआ गाने को लेकर, और इस गाने में सबसे बड़ी बात कि आपके नाम का बोल लिया गया। हाँ जी, तो वो कैसा लगा? नाम का बोल लिया गया तो ये समझ ले कि एक सपना साकार हुआ, क्योंकि एक नाम पे गाना बनना और एक बायोपिक बनना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है एक आर्टिस्ट के लिए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी और बहुत शॉकिंग और बहुत खुशी की बात थी। अभय देओल को माना जाता है कि वो अलग तरह की फिल्में करते हैं, तो उनसे मिलकर, उनसे बात करके कैसा एक्सपीरियंस था? उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके, क्योंकि वो बहुत बहुत कोऑपरेट करके सामने वाले आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं, उसको अनकंफर्टेबल बिल्कुल फील नहीं होने देते हैं। अगर उन्हें लगता है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है तो उसे सिखाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके अंदर। और बहुत डाउन टू अर्थ हैं, रियल में बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत बहुत प्यारे इंसान हैं और दे ऑल्सो सारे अच्छे हैं, तो मुझे उनसे मिल के बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट इस डांस से किससे मिला, आपको अपने परिवार से? मुझे सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट इस डांस से खुद से ही मिला और मेरे फैंस से मिला, क्योंकि सभी फैंस ने मुझे इतनी बेस्ट विशेस दी इस गाने के लिए कि मैम के ऊपर गाना है, मैम के ऊपर गाना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और किसी को मतलब सबको पता था कि ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है, इस फिल्म में गाना आने वाला है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि कईयों को इतना तगड़ा शौक लगने वाला है कि गाना ही मेरे ऊपर बना है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। अच्छा, आपका नानू की जानू, मतलब आपको कैसी लगी फिल्म, आपने कभी अभी देखी? हाँ, मैंने देखी है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है रियल में। आप एक तो हंस हंस के पागल हो जाएंगे फिल्म देख के, और मतलब हॉरर प्लस कॉमेडी है, तो अगर आप देखेंगे तो फिर आप लास्ट में जाके इमोशनल भी होंगे और आप इतने हैप्पी हो जाएंगे फिल्म को देख के। बिंदास फिल्म है, बोले तो बिंदास, पैसा वसूल। अभय देओल के साथ काम कर लिया अब आपने, अब आपका सपना किसके साथ काम करना? सपना किसी के साथ काम करने का नहीं है, सपना सपना का सपना कुछ भी नहीं है। सपना चाहती है कि बस वो काम करती रहे। मेरे लिए आर्टिस्ट कभी बड़ा नहीं है, कभी छोटा नहीं है, मेरे लिए सभी बराबर रहेंगे, तो जिसके साथ काम करने का मौका मिलेगा मैं पक्का दिल से काम करूंगी। अभी बिग बॉस मराठी भी आया है, आप क्या उसको लेके सोच रही हैं? मैं उसके लेके कुछ नहीं सोच रही हूँ, बस मैं उनको बेस्ट विशेस दूंगी। वो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, अच्छे से यूज़ कीजिएगा, और जितने भी आप लोग गए हैं उसके अंदर सेलेक्ट हुए हैं तो आप लगा लीजिए कि बहुत किस्मत वाले हैं, और आपका मतलब जो किस्मत है वो अब 3-4 मील और ऊपर चला जाएगा, तो आपको सभी को बेस्ट विशेस, बहुत अच्छे से खेलिएगा। और नाइस, अच्छा लगा मुझे कि मराठी भी स्टार्ट हो गया। कभी पूरी फिल्म करने का इरादा है? हाँ, जल्दी, बहुत जल्दी। और अपने भाई को भी आप लॉन्च करने वाले हैं? हाँ जी, उनके बारे में कुछ बताना? उनके बारे में यही बताना चाहूँगी कि उसको बहुत जल्दी लॉन्च कर रहे हैं और वो बहुत स्मार्ट है, पहली बात तो ये, और वो भी बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत अच्छे से काम करेगा, और जितना प्यार आप मेरे को देते हैं उसको भी बहुत भरपूर प्यार दीजिएगा। बहुत अच्छा नाम हमने उसका रखा है, के मिर्ज़ा, तो उसके दोस्त सभी उसको मिर्ज़ा जी बोलते हैं, तो उसको मिर्ज़ा जी जो है करण से हटकर मिर्ज़ा उसका टैग लग गया है नाम का, तो हमने उसका शॉर्ट फॉर्म कर दिया के मिर्ज़ा। तो बहुत अच्छे अच्छे गाने हम उसका बहुत अच्छा प्रमोट करेंगे, उसको बहुत 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 मेहनत करना है उसके। अपने फैंस से, अपने चाहने वालों से कुछ कहना? हाँ, मैं कहना चाहूँगी, आई लव यू, आप बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत प्यार देते हैं, मेरे पीछे बहुत लड़ाइयाँ करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। लड़ाई मत कीजिए, बस चुप रहिए, मैं हम अपने काम से जवाब देंगे, और आप ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए हमेशा, और मैं ऐसे ही नए नए प्रोजेक्ट आप लोगों को देती रहूँगी ताकि आपका सिर कभी ना झुके। अच्छा, अपने अंदाज में नानू को जानू लोग देखने जाए, अपने अंदाज में कुछ कहना चाहती हैं? जमा लठ गार्डन की फिल्म है, देखने जरूर जाइयो, मतलब थरप्पी सा ऐसा वसूल हो जाएगा तो हम सोच भी नहीं पाओगे कि हमने ये देख के सुधा लिया। थैंक यू वेरी मच। वेलकम, मोस्ट वेलकम।